हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे YT चैनल पर। बात करने वाले हैं 27 सितंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं और जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो कैसे लगी इसे भी जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके पास आ गया है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व स्तर पर पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा दो चीजें हैं, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 26 सितंबर। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि 26 सितंबर। अब बात कर लेते हैं, 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के अलग अलग। तो इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को और हेल्थ डे मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को, और दोनों को मिलाकर पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हम 26 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो आप इसे भी याद रखिए। चलिए, सवाल नंबर दूसरा है, अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल कहाँ किया जाएगा? अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल कहाँ किया जाएगा? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो दो नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। अब आइए उड़ीसा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, इसे सिटी ऑफ कैथेड्रल भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सब लोग, सिटी ऑफ कैथेड्रल। गठन इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेडी से हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 20 है, उड़ीसा उच्च न्यायालय यहाँ का लगता है, इसे याद रखिएगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि उड़ीसा किससे अलग होकर बना है और कब। ठीक है, उड़ीसा किससे अलग होकर एक नया राज्य बना था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने हाल ही में फेड टू फेल रिपोर्ट जारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस एजेंसी ने फेड टू फेल रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, यूनिसेफ, एनटीपीसी लिमिटेड। तो देखिए, चूंकि बच्चों के लिए की गई है तो जाहिर सी बात है जवाब हमारा हो जाएगा यूनिसेफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आइए यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं ये फेड टू फेल रिपोर्ट क्या है। तो यूनिसेफ ने हाल ही में फेड टू फेल रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वह भोजन या पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है जिनकी उन्हें अच्छी तरह से बढ़ने और दिमाग को विकसित करने की जरूरत होती है। बात करते हैं यूनिसेफ की, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1946। अध्यक्ष है एन वेनेमन, संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लुडविक रेचमैन, और मूल संगठन है इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं, तो 2021 में सौभाग्य योजना ने स्थापना के कितने साल पूरे कर लिए हैं? 5, 3, 4 या फिर 7। 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। 2021 में सौभाग्य योजना के 4 साल हो गए हैं, इसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कहा जाता है। ठीक है, सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसे याद रखिएगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि सौभाग्य योजना किस वर्ष आई थी। चल, सवाल नंबर 5 की बात कर रहे हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, पुस्तक के लेखक कौन है? सुजाता सिंह, एस जयशंकर, शिवशंकर मेमन या फिर निरुपमा राव। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि निरुपमा राव। दोस्तों, हाल ही में जो भी पुस्तक आया करे उन्हें जरूर नोट कर लिया करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत की पूर्व विदेशी सचिव निरुपमा मेनन राव द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक लेकर आई हैं, इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। क्या रह चुकी हैं? पूर्व विदेश सचिव रह चुकी हैं। 6 नंबर की बात कर ले, नई दिल्ली में उद्घाटन राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा
या फिर अमित शाह? तो 6 नंबर का जवाब हो जाएगा अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधित किया है, इसे याद रखिएगा। सारे बच्चे जवाब जरूर दें कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर पड़ता है। चलिए 7 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लें। WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। तो WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? गॉर्डन ब्राउन, डेविड कैमरन, टोनी ब्लेयर या जॉन मेजर? तो 7 नंबर के सही जवाब की बात कर ले, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गॉर्डन ब्राउन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनम साहब। मुख्यालय पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा। 10 अप्रैल को हम लोग होम्योपैथी डे मनाते हैं। आप सभी को बताना है होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए अब 8 नंबर के महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर में लिखा है, क्वाडा में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कौन सहित 4 इंडो-पैसिफिक राष्ट्र शामिल है, यानी कि चौथे का नाम आपको बताना है। तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना या अजरबैजान, क्या सही जवाब हो जाएगा? तो 8 नंबर के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका चौथा मेंबर है। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड की पहली व्यक्तिगत बैठक 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन DC क्वाड राष्ट्र में व्हाइट हाउस में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल थे। अगर हम बात करें क्वाड चतुर्भुज संवाद की, तो स्थापना इसकी 2007-2008 नवंबर में हुई। सरकारी सुरक्षा मंच इसको संबोधित करता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA इसके मेंबर हैं, इसे भी याद रखिएगा। 9 नंबर के सवाल की बात कर ले, द लॉन्ग गेम, ठीक है याद रखिएगा, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? रविश कुमार, विजय गोखले, हर्षवर्धन श्रृंगला या नवतेज सरना? तो जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजय गोखले, ठीक है ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्व विदेश सचिव और चीन में राजदूत विजय गोखले ने द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, इसे याद रखिएगा। तो 2 सवाल आज के हो गए हैं, जो विदेश सचिव रह चुके हैं दोनों को याद रखिएगा। अब सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 25 सितंबर? तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 सितंबर। परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2014 से हर साल 26 सितंबर को मनाया जा रहा है, तो इसे भी याद रखिएगा कि इसे हम 2014 से मना रहे हैं। चलिए अब 11 नंबर की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का सवाल महत्वपूर्ण है, प्राइवेट स्पेस एक नया स्पेस स्टार्टअप है जिसकी स्थापना एलेक्स फील्डिंग ने एप्पल इंक के सह संस्थापक के साथ साझेदारी में की है, बताइए। प्राइवेट स्पेस एक नया स्पेस स्टार्टअप है जिसकी स्थापना एलेक्स फील्डिंग ने एप्पल इंक के सह संस्थापक के साथ साझेदारी में की है, जेनेट हिल, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वोजनियाक या एंडी हर्ट्सफेल्ड? 11 नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टीव वोजनियाक। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स भी जिन्हें कहा जाता है, ने एक नई अंतरिक्ष कंपनी प्राइवेटियर स्पेस की घोषणा के लिए रिपोर्ट INC. के संस्थापक एलेक्स फील्डिंग के साथ हाथ मिलाया है, तो इसे भी याद रखिए, रिपकॉर्ड INC. के संस्थापक एलेक्स फील्डिंग के साथ हाथ मिलाया है। इनकी कंपनी की कहानी प्राइवेटियर स्पेस। अब एप्पल की बात कर लेते हैं, तो एप्पल की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1976 लॉस अल्टोस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुख्यालय कुपरटिनो, कैलिफोर्निया में पड़ता है। संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन है। CEO इसके कौन चल रहे हैं? तो टिम कुक चल रहे हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं 12 नंबर के सवाल की, बहुत महत्वपूर्ण है। 31 मार्च 2021 तक सौभाग्य योजना के तहत लगभग कितने घरों को
विद्युतीकरण किया जा चुका है। 1.64 करोड़, 2.82 करोड़, 2.77 करोड़ या फिर 2.98 करोड़। तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.82 करोड़, इसे याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर का महत्वपूर्ण सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नीति आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय फल अनुसंधान मंत्रालय या फिर यूनेस्को? 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में पूरे भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की। तो इसका मुख्यालय पड़ता है रोम, इटली में। इसकी स्थापना हुई थी 1961-63 में। संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, मूल संगठन है इसका संयुक्त राष्ट्र। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि रोम, जो कि इटली की राजधानी है, या किस नदी के किनारे पड़ती है। अब सवाल नंबर 14 की बात करते हैं, तो आईपीएल में कौन सा खिलाड़ी किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? कौन सा खिलाड़ी किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, विजय शंकर या फिर पृथ्वी शॉ? तो सभी को पता है, चेहरा ही दिखकर समझ में आ गया होगा कि बात हम लोग रोहित शर्मा की कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान उनका औसत 46.13 का रहा है। अब बात कर लेते हैं आईपीएल ट्रॉफी की। तो आईपीएल का पहला टूर्नामेंट 2008 में देखने को मिला। वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस 5 खिताब जीत चुकी है और ये सबसे सफल भी रही है। सर्वाधिक रन विराट कोहली के हैं 5412, सर्वाधिक विकेट लसित मलिंगा के हैं 170। आपको याद होगा कि वर्तमान में भी आपका आईपीएल चल रहा है, तो सारे बच्चे कमेंट में जवाब जरूर देंगे कि यह आईपीएल कौन सा संस्करण है जो इस समय चल रहा है। चलिए 15 नंबर की बात कर लेते हैं और आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारतीय सेना विजॉय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगी? भारतीय सेना विजॉय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां पर करेगी? नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या फिर कोलकाता? तो सही जवाब की बात कर ले, आंसर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में। अब आइए बात कर लेते हैं, तो भारतीय सेना का आयोजन करेगा विजॉय का, जो कि 29 से 26 में कोलकाता में होगा। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। भारतीय सेना की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, और वर्षगांठ इसकी होती है 15 जनवरी को। अध्यक्ष हैं इसके जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े, उपसेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है कोलकाता, सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है। राज्यपाल है जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी AITC से, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें हैं 295। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी करंट, हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। मुलाकात करेंगे कल फिर नई करंट, नई ऊर्जा, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद।